हेलो एवरीवन, आज आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और इस वीडियो में हम एक रीसेंट टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं जो अभी हालिया दिनों में न्यूज़पेपर्स में आ रही है। क्या है ये टेक्नोलॉजी? पहले तो इसे हम देखेंगे कि न्यूज़ पे आखिर ये क्यों है, ठीक है। दूसरे देखेंगे कि ये आयरन डोम वास्तव में होता क्या है, ये जो आयरन डोम टेक्नोलॉजी है ये कहाँ यूज़ होता है और ये होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम लोग देखेंगे कि इसका हिस्ट्री क्या है, क्या इतिहास है इसका, कब पहली बार यूज हुआ और किस सिद्धांतों पर यह काम करता है, इसकी क्रियाविधि क्या है, ठीक है। और लास्ट में हम किसी भी वीडियो में आपको लास्ट में ये बताते हैं कि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में उसका संबंध क्या है, आखिर इंडिया के पास क्या ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम है, और आखिर इंडिया के पास ऐसा डिफेंस सिस्टम है तो वो इंडिया ऐसा डिफेंस सिस्टम को काम क्यों नहीं करता, अगर अगर है तो वो काम क्यों कम करता है या हमें सुनने में नहीं आता। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो आयरन डोम सिस्टम है ये हमारा अभी रिसेंट में इसराइल और फलस्तीन के बीच जो युद्ध जैसी गतिविधियां हो रही हैं और बहुत सारे रॉकेट हमास की तरफ से लॉन्च किए जा रहे हैं इसराइल की तरफ को, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसराइल के पास एक सिस्टम है दैट इज आयरन डोम सिस्टम, और वो क्या कर रहा है उसको इंटरसेप्ट कर रहा है, कुछ ऐसी वो मैकेनिज्म अपनाए हुए है। तो देखिए वही लिखा हुआ है कि द आयरन डिफेंस सिस्टम जस्ट इंटरसेप्टेड ए हमास अनमैंड एरियल व्हीकल दैट क्रॉस गाजा इनटू इजराइल। मतलब गाजा पट्टी की तरफ से, मान लीजिए ये गाजा पट्टी और इजराइल की तरफ से जो भी आपके रॉकेट आ रहे हैं तो यहाँ पर वो इंटरसेप्ट हो रहे हैं। इंटरसेप्ट का मतलब हो रहा है इनका वॉरहेड को यहीं पर हम लोग खराब कर दे रहे हैं, ठीक है, ये नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं फाइनली, ठीक है। और दूसरी चीज, इसका क्या फायदा है, इट इज ऑल वेदर सिस्टम दैट कैन इंगेज मल्टीपल टारगेट्स simultaneously and can be deployed land and sea. दूसरी चीज, ये लैंड और सी दोनों जगह डिप्लॉयड हो सकता है। आपने देखा होगा अगर आप लोगों ने न्यूज चैनल वगैरह में कि ये बेसिकली बहुत सारे बिल्डिंग्स के ऊपर ऐसे कुछ सिस्टम लगाया हुआ है इन लोगों ने, तो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है इसराइल की, ठीक है। क्या है, समझते हैं इसको आगे की स्लाइड पर अपन। तो अभी जानेंगे कि आयरन डोम वास्तव में है क्या, ठीक है, आयरन डोम वास्तव में है क्या और ये किस सिद्धांतों पे काम करता है। हमने जान तो लिया कि आयरन डोम कहां पर काम कर रहा है, इसका सिद्धांत क्या है। तो इट इज अ शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर दैट इज सरफेस टू एयर एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। एयर डिफेंस सिस्टम से आप जान ही रहे होंगे कि जो भी रॉकेट वगैरह आ रहे हैं, जो भी मिसाइल वगैरह आ रहे हैं उनको इंटरसेप्ट कर रहा है। दैट इंक्लूड ए राडार इन टामीर इंटरसेप्टर मिसाइल्स दैट ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज एनी रॉकेट्स और मिसाइल एम्ड एट इजरायली टारगेट्स। ठीक है, हम इजरायली टारगेट के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई भी कंट्री से यूज कर सकता है, लेकिन अभी इस तरह की टेक्नोलॉजी केवल अभी इसराइल के पास है। अभी हाल ही के 2-3 महीने पहले भी एक न्यूज आई थी कि यूएस भी इस तरह की टेक्नोलॉजी को इसराइल से लेने वाला है, लेकिन अभी इसराइल इज द मास्टर ऑफ, ओके, वो उनके पास सभी मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एक तरह कुछ है इसराइल के पास। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज यूज फॉर काउंटरिंग रॉकेट्स आर्टिलरी मोटार, इसीलिए इसका जो एक नाम रखा गया है वो रॉकेट आर्टिलरी और मोटार से मिलाकर सी रैम रखा गया है, और सी फॉर काउंटर, ठीक है। तो इसलिए काउंटर कर रहा है, मतलब उनका अपोज कर रहा है, ठीक है, ओके। साथ ही साथ और क्या करता है, एयरक्राफ्ट को भी अपोज करता है, इवन हेलीकॉप्टर को भी इंटरसेप्ट कर देता है, और अनमैंड एरियल व्हीकल जो अभी हो ही रहा है उसको तो कर ही रहा है। तो आप समझ रहे हैं कितना पावरफुल ये इनकी कितनी पावरफुल इनके पास ये डिफेंस सिस्टम है इसराइल के पास। वैसे भी आप लोग जानते हैं एयर की जो डिफेंस की टेक्नोलॉजी है वो शायद वर्ल्ड की हम कह सकते हैं कि बेस्ट टेक्नोलॉजी में से एक है, ठीक है। अब देखते हैं कि आयरन डोम की टेक्नोलॉजी का इतिहास क्या है। देखिए पहली बार जब 2006 की बात है, इसराइल लेबनान वॉर चल रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि इसराइलों को काफी नुकसान हो रहा था, और वहां से आतंकवादियों ने क्या किया था, बहुत सारे रॉकेट्स को इसराइल की तरफ छोड़ा था। तो इसी दौरान इसराइल ने अपना जो रफेल एडवांस सिस्टम है, और इसराइल का खुद का जो एयरफोर्स है उनकी जो एयर का डिफेंस सिस्टम है उनका, उनके साथ मिलकर, ठीक है, क्या किया था, इन्होंने एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार किया था जो रॉकेट्स वगैरह को इंटरसेप्ट, ठीक है। हालांकि उस समय इतना कारगर नहीं हो पाया, लेकिन 2011 में एक बार फिर से ईरानी
जो इसराइल के साइंटिस्ट थे, जो रिसर्चिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या वैज्ञानिकों ने देखा बेटा, कि इस रफेल ने क्लेम कर दिया, रफेल जो कंपनी थी उनकी, उन्होंने क्लेम कर दिया कि 90% हम लोग मिसाइलों को, रॉकेट्स को, मोर्टार को इंटरसेप्ट कर लेने में कारगर हैं, ठीक है। और लेकिन ऐसा डेटा 2000 इंटरसेप्टन के बाद देखा गया कि इसका सक्सेस रेट लगभग 80% के आसपास आ रहा था, जो कि काफी बढ़िया कह सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, क्या इसराइल के पास है तो क्या यूएस के पास नहीं है? तो हम इसकी चर्चा हालांकि बाद में करेंगे कि यूएस इसको यूज क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, यूएस इसको यूज क्यों नहीं कर रहा, लेकिन हर कंट्री के पास कुछ अपने अपने डिफेंस सिस्टम है। कुछ जो बड़े कंट्री है लाइक यूएसए हुआ, फ्रांस हुआ, ठीक है, इवन इंडिया के पास भी, रसिया के पास भी अपना अपना डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने भी अपना डिफेंस सिस्टम लिया हुआ है रसिया से, वो ले रहा है एक्चुअली S-400, आपने नाम सुना भी होगा, बट वो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में क्यों अच्छा नहीं है ये आपका आयरन डोम सिस्टम, ठीक है। तो अब अगर मैं यूएसए की बात बता दूं, तो यूएसए ने अभी कुछ ऐसा कुछ मतलब फैसिलिटी उसके पास आयरन डोम सिस्टम की नहीं है, हालांकि उसके पास दूसरे तरह के एयर डिफेंस सिस्टम जरूर है, ठीक है। तो उनके उनके पास एंटी मिसाइल प्रोग्राम है, उनके पास नेशनल वाइल एंटी मिसाइल प्रोग्राम है जो 1990 से चल रहा है, तो 2002 में दूसरा नाम दिया गया, बट उनके पास कुछ उस बहुत अभी खूबी वाली फैसिलिटी नहीं आई है जो बहुत ही कम एरिया को बेसिकली मैं कर सकूंगी सेफ कर सके। ये लार्ज बहुत बड़े एरिया पे यूज होते हैं, ठीक है। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं अपन और नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई इसकी मैकेनिज्म क्या है, इस आयरन डोम सिस्टम की मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि हमें कोई भी अगर साइंटिफिक चीज पढ़ते हैं तो उसके सिद्धांत काम करते हैं कि किस सिद्धांतों पर आधारित है। तो देखिए लिखे से जैसा कि ये बताया गया यहाँ पर कि 3 मेन सिस्टम इसमें लगे होते हैं दैट वर्क्स टुगेदर टू प्रोवाइड सील्ड ओवर द एरिया वेयर इट इज डेवलप्ड। जहां भी ये मतलब लगा होता है वहां पर ये तीन तरह से, तीन सिद्धांतों पर काम करता है और ये मल्टीपल थ्रेड्स को क्या करता है, हैंडल कर लेता है। इट हैज डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार टू स्पॉट एनी इनकमिंग थ्रेड्स। इनके पास सेंसर होते हैं जो क्या कर लेते हैं, रडार को कभी भी सेंस कर सकते हैं। ए बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम भी होता है एंड मिसाइल फायरिंग आउट, इवन इसके पास मिसाइल भी होती है, जरूरत पड़ने पर मिसाइल को भी फायर करता है। द बीएमसी बेसिकली लाइज बिटवीन द रडार एंड द इंटरसेप्टर मिसाइल। और ये जो बीएमसी इसका जो वेपन कंट्रोल सिस्टम है, बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम है, ये रडार और इंटरसेप्टर मिसाइल के बीच में कुछ होता है, ठीक है। रडार जो वहां से आ रहे हैं, ठीक है, और इंटरसेप्टर जो यहाँ से जा रहे हैं वहां पे बीएमसी लगा होता है। अच्छा, तो अगर ये देखिए एक न्यूज पेपर की कटिंग मैंने लगाई हुई है यहाँ पर, ये यूएस का कोई न्यूज पेपर है, तो उसका एक कटिंग यहाँ पे लगाया हुआ है और देखिए तीन अप्रोच पे काम कर रहा है, ये फ्रंट अप्रोच, साइड अप्रोच और रियर अप्रोच। ठीक है, फ्रंट अप्रोच में अगर मैं बेसिकली बताऊं, ये आपका क्या है, रॉकेट आ रहा है, ये सेंस करते हुए आपका इंटरसेप्टर गया और उसने सेंस किया, इसके वॉरेट को थोड़ा सा खत्म किया। इसके बाद ये देखिए, इसके बाद ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे वॉरेट आ रहा है, तो वॉरेट को तोड़ा, मतलब इसने यहीं पर इसको वॉरेट को तोड़ा, मतलब इसके वहीं पर विस्फोट करा दिया, इसने वॉरेट को तोड़ दिया। और फिर इसने बैक ट्रैक किया, तीसरे बार में क्या उसने क्या किया, बैक ट्रैक किया। बैक ट्रैक करने का मतलब क्या है कि ऐसा तो नहीं कि कोई कुछ वॉरेट बचा हुआ है, तो उसने क्या किया हुआ है, उसको बैक ट्रैक करके सब कुछ खत्म कर दिया और इस तरह से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, पूरे रॉकेट सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है। तो तीन अप्रोच पे काम करता है, ये सेंसर अप्रोच, सेंसरी अप्रोच है, सेंसरी ऑर्गन टाइप से लगे हुए हैं इस इंटरसेप्टर के पास। फिर इसने क्या किया हुआ है, इसके वॉरेट को खराब किया है उसी डायरेक्शन में जाते हुए देखे, और इसके बाद सेम डायरेक्शन में आ गए और बचे हुए वॉरेट को खत्म कर दिया है। तो लिखा भी हुआ है चेजिंग, इसमें चेज करता है देखिए, और चेज करने के बाद सब कुछ खत्म कर देता है, ठीक है। तो पूरा पूरा वॉरेट इसका खत्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या और क्या क्या इसमें एडवांसमेंट है और क्या क्या खूबी हो सकती है। तो देखिए अब बात करते हैं, क्या इंडिया के पास कुछ इस तरह का डिफेंस सिस्टम है, क्या इंडिया के पास कुछ इस तरह की फैसिलिटी है? यस, इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ बॉइंग S-400, इंडिया खरीद रहा है रसिया से और इसकी जो कॉस्ट है वो करीब 5 बिलियन के आसपास, ठीक है। वो आपका जो डोम्स, आयरन डोम सिस्टम है थोड़ा सा सस्ता है, ठीक है, मैंने कॉस्ट भी पीछे लिखी हुई है। इंडिया इज ए कॉन्टिनेंट साइज, इंडिया का साइज बहुत बड़ा है और इसराइल का साइज बहुत छोटा है। सो आपको पता है कि वहां पर थ्रेड जो डील कर रहे हैं थोड़े से रिलेटिवली क्लोज
डील कर सकते हैं। इंडिया पे बहुत बड़ा साइज है तो यहीं पर टेक्नोलॉजी भी ज्यादा लगेगी, बड़ी टेक्नोलॉजी लगेगी। ठीक है, S-400 क्या क्या कर सकता है अगर मैं बताऊं, कैटर शूटिंग डाउन मिसाइल्स एयरक्राफ्ट इन सम 300 to 400 किलोमीटर रेंज, 300 से 400 किलोमीटर रेंज की जितनी भी गतिविधियां होंगी मिसाइल की उनको एयरक्राफ्ट को कैटर करेगा। द इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव टू डेवलप एंड डिप्लॉय ए मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल अटैक। और इंडिया के पास जो ये अप्रोच है दैट इज इंडिया बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, ये बेसिकली क्या कर रही है, बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक को कम करेगी। ठीक है, तो अगर मैं कंक्लूसिवली बोलूं कि डिफेंस सिस्टम ये बहुत ही अच्छा है, ये डिफेंस सिस्टम बहुत ही अच्छा है और इसराइल के लिए ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन अच्छा क्यों है उसका मोटा मोटा एक उद्देश्य मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर साइज कम है, जिसकी टेरिटरी कम है, वहां पर ये बढ़िया काम करता है क्योंकि इसका कॉस्ट भी थोड़ी सी कम आ रही है। इंडिया जैसे कंट्री के लिए जो कॉन्टिनेंट साइज के कंट्री है, यहाँ पर बड़ा डिफेंस सिस्टम चाहिए। तो अभी हालांकि यूएस के पास भी और बाकी कंट्रीज के पास भी आयरन डोम सिस्टम की तरह सिस्टम नहीं है। ठीक है, इसराइल ने क्यों बनाया, क्योंकि उनके पास एरिया काफी कम है, इसलिए वो आसानी से क्या कर सकता है, चीजों को कैप्चर कर सकता है। ठीक है, तो चलिए, आप होपफुली आप लोगों को आयरन डोम सिस्टम के बारे में काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने इसराइल और फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं लिंक नीचे शेयर कर रहा हूँ। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।